दोस्तों क्या आप जानते हैं, एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में एवरेज 386 दोस्त बनाता है, मगर इनमें से आखिर तक सिर्फ एक ही दोस्त लंबे समय तक दोस्ती निभा पाता है। और दोस्तों रात को सोने से पहले आप जिस पर्सन को याद करते हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में या तो आपकी खुशी का कारण होता है या आपके दुख का कारण। और क्या आप जानते हैं कि जब भी किसी इंसान को एक नया पेन दिया जाता है तो उनमें से 97% लोग उस पेन से सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान को अपना नाम सुनना उसे इस दुनिया का सबसे अच्छा साउंड लगता है। तो दोस्तों हम आपको इसी तरह के 21 अमेजिंग और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आप कई ऐसी बातों का रीजन समझ जाओगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सो नंबर 21, अगर आप चाहते हो कि कोई आपके सामने झूठ ना बोले तो आपको बस इतना करना है कि जब भी आप उस पर्सन से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखने के बजाय आपको उनके माथे के बीचों बीच देखना चाहिए। इससे वो अपना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खोने लगेंगे और उन्हें लगेगा कि वो अगर झूठ बोलेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, और ऐसे में वो झूठ बोलने से रुक जाते हैं, इसलिए इसके चांसेस कम हो जाएंगे कि वो आपके सामने झूठ भी बोल पाए। नंबर 21, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब कोई आपको इग्नोर करता है तब आप उस इंसान पर और ज्यादा ध्यान देने लग जाते हो, आपका सारा अटेंशन उसी पर रहता है। ऐसा क्यों होता है कि हम उसी चीज को चाहते हैं जिसे पा नहीं सकते? इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि हमारा ब्रेन अनफ्रेंडलीनेस को एक चैलेंज या गोल की तरह देखता है। आप उन लोगों के लिए इतने ऑब्सेस्ड रहते हो क्योंकि आपका ब्रेन उस इग्नोरेंस को एक चैलेंज की तरह देखता है जिसे आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, जैसे किसी मैथ प्रॉब्लम की तरह। नंबर 19, आजकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। अर्ली 20s में की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का एंग्जायटी लेवल इतना ज्यादा होता है जितना कि एक 1950s के साइकियाट्रिक पेशेंट का। और अगर आज के टाइम पे ये स्टडी अब दोबारा की जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट का एंग्जायटी लेवल किसी साइकियाट्रिक पेशेंट से भी ज्यादा होगा। नंबर 18, 20 लाख पार्टिसिपेंट्स पर करी गई एक स्टडी ने किसी भी तरह की एक अच्छी रिलेशनशिप होने के काफी अमेजिंग बेनिफिट्स बताए। एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको गुड हार्ट हेल्थ देती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट्स डाल सकती है। नंबर 17, वर्ल्ड में 19 डिफरेंट टाइप्स की स्माइल होती है, पोलाइट, डोमिनेंस, विस्टफुल, फ्लर्टी एक्सेट्रा, और इन्हीं में से एक होती है डुशियन स्माइल जिसे सबसे बेस्ट और हाई स्टैंडर्ड वाली स्माइल माना जाता है। इसी स्माइल को एक जेन्युइन ऑथेंटिक स्माइल भी कहते हैं। एक ऑथेंटिक डुशियन स्माइल आपको ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली और ऑथेंटिक दिखने में मदद करती है। नंबर 16, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बात करते समय बार बार अपने फेस को टच करते रहते हैं, स्पेशली अपनी नोज को, और हम सोचते हैं कि शायद ये उनकी आदत हो सकती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये एक नर्वसनेस की निशानी हो सकती है। वो इंसान कन्वर्सेशन में कॉन्टिन्यूसली अनकॉन्शियसली अपनी नोज को टच करते हुए ये सोचता रहता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर 15, आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई आपके सामने यौन करता है यानी उबासी लेता है तो उसको देखकर आप भी यौन करने लग जाते हो। ऐसा हमेशा तो नहीं लेकिन अधिकतर अनकॉन्शियसली हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा होता है एक फिनोमेनन की वजह से जिसे कहते हैं सोशल मिररिंग, जिसका डायरेक्ट लिंक होता है ब्रेन में मौजूद मिरर न्यूरॉन से। इसी वजह से किसी और को यौन करते देख हमें ना चाहते हुए भी खुद ब खुद यौनिंग होने लगती है। नंबर 14, जब आप किसी क्यूट पेट, टॉय या बच्चे को देखते हो तो आपका मन उसे दबाने का करता है, पर क्या ऐसा होना नेचुरल है? इस तरह के बिहेवियर को कहा जाता है क्यूटनेस अग्रेशन। न्यूरोसाइंस रिसर्च में यह देखा गया कि हम पॉजिटिव चीजें देखकर बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करने लगते हैं, और इन्हीं क्यूट चीजों को देखकर हमारे पॉजिटिव इमोशंस बढ़ जाते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन क्यूटनेस अग्रेशन क्रिएट करता है जो हमारे इस ओवरवेल्मिंग फीलिंग को कंट्रोल करती है। नंबर 13, दिन भर में हमारे दिमाग में 50,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं जिसमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं जिनका हमारी डे टू डे लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। इन थॉट्स से आप बच नहीं सकते पर इनको सही जरूर कर सकते हो, अपने आप को बिजी रखकर या ऐसी एक्टिविटीज करके जो आपको खुश करती हैं या फिर कुछ अच्छा सोचकर। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हो या आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं तो अपने आप को सुपर बिजी करके देखो। नंबर 12, ये एक काफी अजीब फैक्ट है कि हमारा माइंड जो हमारी मदर टंग यानी मातृभाषा है उससे अलग लैंग्वेज में कुछ सोचे तो हमें काफी सही डिसीजन लेने में मदद करता है। ऐसा बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि आप जब किसी और लैंग्वेज में सोचकर डिसीजन लेते हैं तो आपका माइंड ज्यादातर टाइम सही होता है, इसीलिए अगली बार कोई डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में इंग्लिश में सोच के देखना। नंबर 11, हम रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज में वेटर्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं ये दिखाता है कि एक्चुअल में हमारा नेचर कैसा है। इस रूल को द वेटर रूल कहा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि दूसरे लोग जो आपकी नजर में सिर्फ वेटर हैं उन्हें आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। आपका नेचर आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, सिर्फ नाम और पैसा नहीं। नंबर 10, ऐसी चीजें करना जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है। आप जब भी कोई ऐसी चीज करते हैं जिसमें थोड़ा रिस्क या डर होता है तो उसको करने के बाद आपको खुशी जैसा फील होता है। अब इन सब का ये मतलब नहीं कि आप खुशी पाने के लिए कोई भी गलत काम करने लग जाओ, लेकिन हाँ, कुछ रिस्क एडवेंचर्स करने का ट्राई करके आपको जो खुशी हासिल होती है उसका
कोई मुकाबला नहीं होता। नंबर 9, जब किसी इंसान का कोई करीबी गुजर जाता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, जिसके लिए लोग उसे अक्सर यही बात समझाते नजर आएंगे कि टाइम हील्स एवरीथिंग या वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से टाइम सब कुछ सही नहीं करता, बल्कि वो इंसान खुद उस दुख या उस लॉस के साथ जीना सीख जाता है। उसे उस दुख की आदत हो जाती है और वक्त गुजरता रहता है, जिससे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। नंबर 8, एक इंसान बिना सोए सिर्फ 11 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ का 33% टाइम सोते हुए गुजार देते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हम सोते हुए कुछ भी हासिल नहीं कर रहे। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसी 33% टाइम की वजह से जो हम सोकर गुजारते हैं, हमारा बाकी का 67% टाइम प्रोडक्टिव हो पाता है और आप वो सभी एक्टिविटीज कर पाते हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते हो। नंबर 7, साइकोलॉजी के हिसाब से जो लोग दिन भर बिजी रहकर अपना काम करते हैं और रात को कोई पार्टी या किसी भी तरह से एंजॉय करते हैं, तो उनको ज्यादा दुख नहीं होता कि उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, बल्कि अगले दिन वो और भी मोटिवेटेड नजर आते हैं। दूसरी तरफ वो इंसान जो दिन भर अपना टाइम वेस्ट करता है, उसे दिन के एंड में बहुत गिल्टी फील होता है कि उसने पूरा दिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया और फिर वो रिग्रेट करता है। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आप जितना सीरियस होकर अपना काम करोगे वो काम उतना जल्दी पूरा हो जाएगा, और अगर किसी काम को बिना डेडलाइन के ऐसे ही शुरू कर दोगे तो वो काम उतना ज्यादा ही टाइम भी लेगा। यानी काम कितना टाइम लेगा ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि कोई काम जो असल में 1 घंटे का है, उसी सेम काम को अर्जेंटली करने में आपको सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम लगा होगा, और वहीं किसी 1 घंटे के काम को जिसे हाथों हाथ करना जरूरी नहीं होगा, आपने आराम से 2 दिन में पूरा किया होगा। नंबर 5, ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही एडवांस ऑर्गन है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। माँ के पेट से लेकर मरने तक हमारी लाइफ का हर एक इवेंट हमारे ब्रेन में सेव्ड होता है। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि ह्यूमन बींग्स चाहकर भी उन सभी मेमोरीज को दोबारा से याद नहीं कर सकते। हाँ, कुछ खास खास मेमोरीज याद आ जाएं, लेकिन सभी इवेंट्स आपके ब्रेन में मौजूद होने के बावजूद भी उन्हें याद कर पाना इम्पॉसिबल है। नंबर 4, आप जिस भी तरह के शोज या मूवीज देखते हो, उसी तरह से दुनिया को भी देखना शुरू कर देते हो। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन या इवन ज्यादा न्यूज देखते हैं, वो दुनिया में होने वाले सीरियस क्राइम्स को ओवर एस्टिमेट यानी बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, और इस तरह के शोज उन्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि दुनिया एक बहुत डरावनी जगह है और वो उसमें एक विक्टिम है। जबकि जो लोग कॉमेडी और फैंटेसी जॉनर देखते हैं, उनकी लाइफ काफी पॉजिटिव होती है। नंबर 3, हमारी सोच और हमारे दिमाग की सोचने की एबिलिटी हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड निस्बेट ने अपनी बुक द ज्योग्राफी ऑफ थॉट में बताया है कि किस तरह एशियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज में मेंटल प्रोसेसेस अलग होते हैं। यानी दोनों कंट्रीज के कल्चर्स, फिलॉसफी, एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर अलग है, जस्ट बिकॉज वहाँ के लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। इसी वजह से एशियन कंट्रीज में लोगों की थिंकिंग काफी होलिस्टिक होती है और वहीं वेस्टर्न कंट्रीज की काफी एनालिटिक। नंबर 2, हमें ऐसा लगता है कि हम अपना हर डिसीजन काफी सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से हम अपने ज्यादातर डिसीजंस अनकॉन्शियसली लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मोबाइल लेने जाते हो तो आप अपना बजट और ब्रांड कॉन्शियसली ध्यान में रखकर फोन चूज करते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली आपका माइंड आपको ट्रेंड और मोबाइल के और फीचर्स की तरफ भी आकर्षित करता है, जिससे आपका डिसीजन अफेक्ट होता है। नंबर 1, जब भी हमें कोई रूल बहुत स्ट्रिक्ट लगता है या हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, तो हम में से अधिकतर लोगों का मन सिर्फ उस एक रूल को नहीं बल्कि हर रूल को तोड़ने का करता है। साइकोलॉजिस्ट इस बिहेवियर को रिएक्टेंस कहते हैं। ये हमें बताता है कि किसी को फोर्स करके अपनी बात मनवाना कभी काम नहीं करता। हम दूसरों की बात तभी मानते हैं जब हमें लगता है कि हम वो काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं।